बच्चों इस वाली प्रॉब्लम को और देख लेते हैं। अब ये प्रॉब्लम क्या कह रही है, ये देखो इस प्रॉब्लम को जानने की कोशिश करो कि ये प्रॉब्लम आपसे क्या कह रहा। हमसे कह रहा है कि कैन अ बॉडी हैव, क्या किसी के पास, किसी बॉडी के पास हो सकता है कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, मतलब एक फिक्स वेलोसिटी, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी एंड स्टिल हैव अ वेराइंग स्पीड। क्या ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी तो फिक्स हो और स्पीड वेरिएबल हो? तो कभी कभी ऐसा हो सकता है, आप सोचें, आप दिमाग के घोड़े दौड़ाएं, जरा सोचें, ऐसा हो सकता है कि वेलोसिटी फिक्स है, वेलोसिटी नहीं बदल रही और स्पीड बदलती रहे? तो कभी नहीं हो सकता भाई। जब जब स्पीड बदलती है ना, तब तक वेलोसिटी बदलती है। वेलोसिटी फिक्स है, स्पीड बदलती रहे, कभी ऐसा नहीं हो सकता। देखो आप थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ कि स्पीड क्या होता, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता। अब यार आपको पता है कि जब वेलोसिटी बदल रही है, अगर मैं ये कहूँ कि वेलोसिटी बदल रही है, तो इसका मतलब या तो ये है कि उसका मैग्नीट्यूड बदल रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। लेकिन अब मैं ये बोल रहा हूँ इस क्वेश्चन में कि वेलोसिटी नहीं बदल रही, तो वेलोसिटी फिक्स है। इसका मतलब आप ऐसा मान लीजिएगा कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन हो रही है, एक सीधी लाइन में मोशन हो रही है, जहाँ पर डायरेक्शन भी फिक्स है और आपकी चेंज इन वेलोसिटी जो है वो आपकी चेंज इन डिस्प्लेसमेंट फिक्स है, इट मीन्स वेलोसिटी फिक्स है। अब उस केस में स्पीड भी फिक्स निकल कर आएगी। तो भाई ऐसा नहीं है, ऐसा कभी कोई एग्जाम्पल आपको नहीं मिल सकता जिसमें वेलोसिटी फिक्स हो और स्पीड बदलने वाली हो, कभी नहीं हो सकता। हाँ इसका उल्टा पॉसिबल है कि स्पीड फिक्स हो और वेलोसिटी बदलती रहे, क्योंकि वेलोसिटी आपको बताया एक वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अगर स्पीड बदल रही है तो स्पीड के बदलने की वजह से वेलोसिटी बदल जाएगी, लेकिन वेलोसिटी फिक्स है और स्पीड बदल जाए ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। अगर मैं ये कहूँ एक और केस में कि वेलोसिटी बदल रही है, तो इसका मतलब ये है कि आप ये कह सकते हो कि स्पीड फिक्स है। तो कभी नहीं हो सकता ऐसा कि भाई वेलोसिटी फिक्स हो और स्टिल हैव अ वेरिएबल स्पीड। नहीं भाई, सॉल्यूशन में लिखेंगे नो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नो स्पीड Cannot be varying with constant velocity, कभी नहीं हो सकता। आप यहां एक लाइन में ये लिख सकते हो, whenever speed changes स्पीड बदलती है, द वेलोसिटी ऑल्सो चेंजेस। तो इसका मतलब ये है कि स्पीड के बदलने से वेलोसिटी बदल जाएगी, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा कि वेलोसिटी फिक्स है और स्पीड ना बदले, कभी ऐसा नहीं होगा। स्पीड बदलती है तो वेलोसिटी बदल रही है। अब इसका मतलब यह है कि स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। हाँ ये एक एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता कि स्पीड कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, लेकिन कभी ऐसा देखने के लिए मिल सकता है कि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी बदल जाए। हाँ ये भी होता, पॉसिबल है ये भी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वेलोसिटी कांस्टेंट और स्पीड बदलना शुरू कर दे, कभी नहीं हो सकता। नहीं, कभी नहीं। ठीक है भाई, तो ये हिमाचल में पूछा गया, दो बार पूछा गया। तो भाई ये जो जितने भी कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स हैं ये ईजी नहीं है, अच्छी हैं, कभी ध्यान नहीं दिया जाता, दिमाग के घोड़े दौड़ाने के लिए है ये। तो बिल्कुल बने रहिएगा इसी तरह से, बाकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं जब सबको उड़ा देते हैं वन बाय वन।